Welcome to a whole new world, the digital classroom of Merryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. मेरी कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश। चतुर, किसी वन में एक शेर रहता था। वह हमेशा वन में रहने वाले पशुओं को मारता था। इस कारण वन के सभी पशु उससे डरते थे। एक बार सभी पशुओं ने मिलकर शेर के साथ समझौता कर लिया कि रोज एक पशु शेर के भोजन के लिए अपने आप उसके पास चला जाएगा। शेर मान गया। उस दिन से रोज एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास पहुंच जाता और दूसरे जानवर बिना डर के जंगल में घूमते। एक बार खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर के पास जा रहा था। उसने रास्ते में कुआं देखा। उसे एक तरकीब सूझी। वह बहुत देर करके शेर के पास पहुंचा। शेर बेचैनी से अपनी गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। खरगोश को देखते ही वह गरजा और बोला, अरे खरगोश, इतनी देर से क्यों आई हो? भूख से मेरी जान निकली जा रही है। महाराज, क्या बताऊँ, हम पांच भाई आपकी सेवा के लिए आ रहे थे, किंतु रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। वह बोला कि वो जंगल का राजा है। वह हम पर झपटा और मेरे भाइयों को खा गया। महाराज, मैं किसी तरह जान बचाकर आपको संदेश देने पहुँचा हूँ। यह सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, कहाँ है वो झूठा राजा? मुझे दिखाओ, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में झांका, तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने उसे दूसरा शेर समझा। वह जोर से गरजा। कुएं से उसी की गर्जना गूंजती हुई उसे सुनाई दी। शेर को बहुत क्रोध आया। शेर गुस्से में कुएं में कूद गया, परंतु वहाँ तो कोई दूसरा शेर था ही नहीं। वहाँ तो केवल जल ही था और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। अब शेर बाहर ना निकल सका और डूब कर मर गया। इस प्रकार नन्हे से खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर से अपनी तथा अन्य पशुओं की जान बचाई। शिक्षा। प्यारे दोस्तों, इस चतुर खरगोश की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के बल से हम बड़े शत्रु को भी मार सकते हैं। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.